राम राम भाई जी, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अनएकेडमी के ऊपर क्या पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या सर, मैं अनएकेडमी के ऊपर 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? क्या सर, मैं अनएकेडमी के ऊपर पिक्चर या ड्राइंग की क्लासेस पढ़ा सकता हूँ? क्या अनएकेडमी के ऊपर मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ या अनएकेडमी के ऊपर मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ? तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि अनएकेडमी के ऊपर आप क्या पढ़ा सकते हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात की ध्यान रखनी होगी, तो इस बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आप अनएकेडमी पे पढ़ाना चाहते हैं, अनएकेडमी से आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन जो है अनएकेडमी के रिगार्डिंग मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कमेंट मेरे पास काफी ज्यादा बार आ चुका है इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर जो लोग क्वेश्चन पोस्ट करते उसको मैं ज्यादा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों का बस एक ही मैसेज आता था कि सर मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं, यूपीएससी मैंने 2-3 बार क्रैक कर चुका है, लेकिन मुझे यहां पर फिजिक्स पढ़ानी, मुझे यहां पर हिस्ट्री पढ़ाना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है, मैं यहाँ ड्राइंग पढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्या ये हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अनएकेडमी पे आप क्या पढ़ा सकते हो, दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी गाइडलाइंस इसके लिए दी जाएगी। तो अनएकेडमी पे पढ़ाने के लिए दोस्तों आप लोगों को मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जाकर के आप उस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में दोस्तों मैंने पेमेंट प्रूफ आप लोगों को बता दिया है। अनएकेडमी नहीं ऐसा कहती कि आप अपनी पेमेंट प्रूफ लोगों तक बताओ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पेमेंट प्रूफ की वीडियो भी बना दिया है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि एजुकेटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि डेमो को कैसे अप्रूव करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। तो दोस्तों सारा समाधान आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अनएकेडमी के ऊपर क्या पढ़ा सकते हो। दोस्तों अनएकेडमी के ऊपर आप क्या पढ़ा सकते हो, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अनएकेडमी के ऊपर पढ़ाने के लिए दोस्तों आपके पास किसी एक सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको एक ही सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आप डिफरेंट, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप यहां पर आसानी से पढ़ा सकते हो। पढ़ाने का मेन मोटिव क्या होता है दोस्तों, पढ़ाने का मेन मोटिव होनी चाहिए आपके एग्जाम। जी हां दोस्तों, अगर आप नॉर्मली फिजिक्स आगे पढ़ाते हो तो आपको फिजिक्स कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हो, जैसे कि अगर आप यूपीएससी पढ़ा रहे हो या आप बीपीएससी में फिजिक्स पढ़ा रहे हो या आप रेलवे एनटीपीसी के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हो, तो वो आप लोगों का सबसे अच्छा होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, हर एक स्टेट की पीसीएस, मतलब कि जितनी भी स्टेट है उनके पीसीएस लेवल की एग्जाम, रेलवे की, आप बैंक की, आप एसएससी की, आप स्टेट पुलिस की, आप मतलब जो भी अदर पैरामिलिट्री की, एयरफोर्स की, नेवी की, एनडीए की, जितनी भी भर्तियां निकलती है दोस्तों, आप उसके रिगार्डिंग उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको स्पेशली आप खुद को नहीं पढ़ाना है, आप उसको पढ़ाओगे कोई आपको वैल्यू वो नहीं देगा आपकी कोर्सेज को। लेकिन हाँ, अगर आप एक एनडीए लेवल की एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हो, उस फिजिक्स को लेकर के आ रहे हैं और अपने उस फिजिक्स की क्लासेस में बता रहे हैं कि ये एनडीए के लिए आप लोगों के इंपॉर्टेंट होगा, तो दोस्तों आप लोगों का कंटेंट ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आपको अनएकेडमी इसके लिए पे भी करेंगे, क्योंकि आप अनएकेडमी पे एनडीए के लिए पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों कुछ ऐसा फंडा होता है, आप देखो दोस्तों 10th क्लास और 5 क्लास की बात बहुत सारे लोगों ने किया है कि मैं टीचर हूं, मैं यहां पढ़ाना चाहता हूं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 10th क्लास के नहीं पढ़ा सकते, 5 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए अदर प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग बोलोगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को जो भी नॉलेज है आप किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाइए कि आपकी जो कोर्सेज होगी किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बस आपको इस चीज को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ही आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर किसी तरह के डाउट्स है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। और अगर हाँ, अनएकेडमी से आप पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, 3 वीडियो और भी बनाइए, आप उसे देख लीजिएगा, आपको पूरी ज्यादा वहां जो है जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी वीडियोस में क्लियर हो चुकी है, लेकिन पहले वीडियो देखने के बाद ही आप किस तरह का क्वेश्चन क्वेरी कीजिएगा। बाकी दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है अपने इंस्टाग्राम पे, वहां पर आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है और उसके समाधान मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।